हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने यहाँ पर गार्डनिंग में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की मेरी वीडियो जो है, जो मेरे टेरेस गार्डन में प्लांट रखे हैं वो शेयर करूँगी इस वीडियो में, और छोटे छोटे टिप्स मैं इसमें शेयर करूँगी प्लांट को हैवी फ्लावरिंग के लिए कैसे तैयार करें। और देखिए, इस तरह के प्लांट हम नर्सरी से लाकर लगा लेते हैं, या फिर इस तरह के प्लांट हम नर्सरी से लाते हैं और उसमें थोड़ी ही टाइम जो है फ्लावर आते हैं, उसके बाद फ्लावर देखने को नहीं मिलते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के जो फ्लावर होते हैं इनको हमें अभी रिमूव कर देना चाहिए। पहले हमें अपने प्लांट की ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि अभी प्लांट छोटे हैं तो हमें ये फ्लावर अभी इनके हटा देने चाहिए, और जितनी भी बर्ड्स इस पर आई हुई हैं तो हमें स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ ये बर्ड्स आई थी और ये हमने रिमूव कर दिया है, तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा। पर अपनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। देखिए, ये प्लांट मैंने अपने घर में ही तैयार किए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने हैवी हैं, क्योंकि मैं इससे अभी कोई फ्लावर नहीं ले रही हूँ और इनकी बीच में से रिमूव कर देती हूँ जो फ्लावर आता है। ऐसे प्लांट को प्रून करने से जो है बाद में ज़्यादा फ्लावर हमारे प्लांट पर आएंगे अच्छी ग्रोथ होने के बाद। और ये देसी वाली जो है चांदनी का प्लांट कटिंग से तैयार किया, ये कलांचो का ये भी कटिंग से तैयार किया मैंने, और ये मैरीगोल्ड के प्लांट ये भी मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। और आप देख सकते हैं इनमें कितनी अच्छी फ्लावर आए हुए हैं। जो हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं मैरीगोल्ड के, उन पर ज़्यादा फ्लावर नहीं आते हैं, तो 4-10 फ्लावर ही आते हैं। और ये एक सुख शांति का प्लांट, ये भी कटिंग से मैंने तैयार किया है। और एक ये बोगनवेला, इसमें भी बहुत ही अच्छे और गुच्छों में फ्लावर गुथे हुए बंच आते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर कुछ मेरे कोलियस के प्लांट हैं, ये कोलियस के प्लांट पर भी देखिए अब फ्लावर आ रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। ये मैंने 2-3 प्लांट एक साथ लगाए हुए हैं। और ये एक कनेर का प्लांट है, इसमें भी देखिए कितनी बर्ड्स अब आ रही हैं और फ्लावर भी खिलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर ये कुछ सिलोशिया के प्लांट जो कि मैंने घर में ही तैयार किए हैं येलो कलर में, और ये छोटे छोटे से ऐसे ही जो मिठाई के डब्बे आते हैं उनमें लगाए हुए हैं, और देखने में देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये एक मनी प्लांट का प्लांट है यहाँ पर, और ये सिलोशिया रेड कलर में, और ये एक कटिंग मैंने जो है बरसात के सीजन में अभी लगाई थी, ये भी क्रोटन की अच्छे से चल गई है यहाँ पर। और ये कुछ कोलियस के मिक्स मैच करके मैंने कलर लगाए, ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए मैंने एक पोली बैग जो घर में नमकीन बिस्किट के आते हैं उसी में लगाया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है प्लांट। ये एक रोज़ का प्लांट, और यहाँ पर गुलदावरी, गुलदावरी भी अब बस खिलने लगी है, और काफ़ी अच्छे कलर गुलदावरी के इस टाइम मार्केट में या फिर नर्सरी में अवेलेबल हैं। और देख सकते हैं कि इस तरह के ये प्लांट मैंने घर में तैयार किए हैं। और ये एग्लिफा रेड कलर में, और ये 2-3 कलर में आता है एग्लिफा, इसको भी हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये कोलियस के कुछ और कलर मैंने एक ही पॉट में लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और गुलदावरी भी इस टाइम देखिए कितने अच्छे से खिलने लगी है, और इन दिनों काफ़ी सारे फ्लावर हमारे गार्डन में देखने को मिलेंगे और बहुत सारी वैरायटी। और देखिए इन दिनों हमारे गुलदावरी में इस तरह के पेस्ट हमारे प्लांट में आ जाते हैं, ये ब्लैक कलर का पेस्ट जो है, अच्छे फ्लावर के साथ साथ हमें जो है इन पेस्ट का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गुलदावरी में। गुलदावरी में मेन प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें ये जो ब्लैक कलर का जो कीड़ा होता है पेस्ट होता है, ये देखिए इस तरह से पत्ते के नीचे ही आता है हमेशा, और सारे प्लांट को ये धीरे धीरे ख़राब करने लगता है, और फिर ये फ्लावर पर भी चला जाता है। ये साल्विया के प्लांट और ये कुछ मैरीगोल्ड के और प्लांट मैंने ये कटिंग से तैयार किए हैं। और यहाँ पर ये गुलदावरी के ज़्यादातर प्लांट मैंने अपने कटिंग से ही तैयार किए हैं, और काफ़ी अच्छे कलर अब इनके देखने को मिल रहे हैं। मैं 2-4 प्लांट ही नर्सरी से लाई थी, बाकी मैंने अपने
कटिंग से ही तैयार किए जो मेरे मदर प्लांट थे। और यहाँ पर एक ये लेमन ग्रास जो कि आजकल काफ़ी अच्छा होता है, चाय में डालकर बनाए इसको। और ये एक मेरे कुछ फ्रूट प्लांट, ये अमरूद का प्लांट है यहाँ पर, इस पर भी कलियाँ आ रही हैं। और कुछ गुलदावरी के प्लांट यहाँ पर हैं मेरे, कुछ मैंने बाद में लगाई थी ये कुछ गुलदावरी। और यहाँ पर अपराजिता ब्लूम हो रही है मेरे, और इसमें एक प्लांट और भी लगा है, हेज प्लांट। और यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट ऐसे ही रखे हुए हैं ये छत पर, और ये कुछ प्लांट मैंने अभी लगाए हैं। और इनको भी देखिए, अगर आपको नर्सरी में ये एक एक सिंगल सिंगल लीव स्टेम वाले मिलेंगे, तो इनको अगर आपको अच्छी फ्लावर लेना है तो इस तरह से इनको ऊपर से रिमूव कर दीजिए और अपने प्लांट को हेल्दी बनाएं पहले, फिर इनसे फ्लावर लें। ये कुछ जरेनियम, और ये बोगनविला मेरा जो गिर गया था अब अच्छी कंडीशन में है। और ये यहाँ पर यूफोर्बिया मिली के दो प्लांट मेरे, जो कि अब इन पर बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई है। ये एक रोज का प्लांट है यहाँ पर, और ये कुछ फ्रूट प्लांट हैं मेरे जो कि टेरेस गार्डन में ही रखे हैं और अच्छे से फ्रूट्स दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपना और अपनों का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।